सो हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 6 पॉपुलर लिटरेचर के बारे में। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर पॉपुलर लिटरेचर होता क्या है एंड क्या चीज़ है ये। तो ये है मेरे लिए सेमेस्टर 3 इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस। एंड आज मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं व्लॉग वगैरह बनाने का, बिकॉज मेरे खुद के भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मैं सोचा ये मेरे पास कुछ नोट्स वगैरह रखे हैं तो क्यों ना आपके साथ ये शेयर कर दी जाए। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं आपको समरी नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको नॉर्मल टेक्स्ट के बारे में बताने वाली हूँ और वो भी सारे टेक्स्ट के बारे में। तो ये है आपका सिलेबस, देख सकते हैं आप। एंड इसके अलावा आपके कुछ और टेक्स्ट भी है आपके सिलेबस में, तो वो भी मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ ताकि फिर हम जो है आगे शुरू कर सकें अपने नोट्स के साथ। सो ये रहे आपके बाकी सारे टेक्स्ट। एंड अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो अब हम शुरू करते हैं अपने नोट्स के साथ। सबसे पहला हमारे पास जो है नॉवल है एक टाइप से, जो कि है लुईस कैरोल का थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको इसमें पहले बता दूँ, मैं इसमें समरी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले है ये पब्लिश कब हुआ था, तो वो होता है दिसंबर 1871 में। बट कई बच्चे जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि उनको कहीं जगह पढ़ा होता उन्होंने 1872, तो आप जो है ना, क्योंकि मैंने दिसंबर 1871 में लिखा गया है तो इसलिए कहीं जगह आपको 1872 भी देखने को मिल सकता है। देन तो आप जो है 1871-72 भी लिख सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट स्पेसिफिक टाइम लिखना चाहो तो आप दिसंबर 1871 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव जेनर। इस नॉवल का जेनर क्या है, तो वो ये एक फिक्शन नॉवल है। एंड देन ये चिल्ड्रंस लिटरेचर का नॉवल है। चिल्ड्रंस लिटरेचर का नॉवल जो है ना मेनली जो है मतलब वो चिल्ड्रंस के लिए लिखे होते हैं। आप एज इन चिल्ड्रंस के लिए भी नहीं, वो एडल्ट फिक्शन भी होते हैं, ताकि जो है आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को देख सको। जैसे चिल्ड्रंस पोएम होती है, कुछ स्टोरीज होती है, पिक्चर बुक्स होती है, वो मोस्टली बच्चों के लिए लिखी गई होती है। बट एक जो एडल्ट होता है उसकी जो ग्रोन अप सोच होती है वो कुछ और होती है, एंड एक बच्चे की सोच कुछ और होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो वो है एंड लाइन के बारे में। तो अब हम बात करें एंड लाइन। सो इस नॉवल की अगर हम एंड लाइन देखें तो वो है एंड ऑफ लाइसिस चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। अब किसी भी बच्चे का चाइल्डहुड और इनोसेंस कब जाती है, जब उसके पास एक्सपीरियंस आता है, जब वो ग्रो होता है, जब उसका माइंड डेवलप होता है, जब उसकी एक जैसे कहते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही होती है, जब वो मैच्योर होता है, जब वो मैच्योरिटी आने लगती है उसके अंदर, तो उसका जो इनोसेंस होता है, उसका जो चाइल्डहुड होता है वो चले जाता है। एंड वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही चला गया कि हम बता सके कल तक मैं इनोसेंट था और आज मैं एक्सपीरियंसड हो गया, तो ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे बढ़ती है हर चीज़, धीरे धीरे जैसे ग्रो होती है। देन नेक्स्ट यू हैव लुईस कैरोल, जो है वो एक इंग्लिश ऑथर है, पोइट है, एंड देन मैथमेटिशियन है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके कुछ थीम्स के बारे में, तो इसका जो मेन थीम है वो है यूथ। यूथ में हम ये भी कह सकते हैं एडोलेसेंस, एंड देन यू कैन ऑल्सो से पोस्ट टीनेज। पोस्ट टीनेज कौन सी होती है, ऐसी टीनेज जब आपकी जो एज होती है वो अराउंड 19, 20, 21, मतलब 21, 22 तक होती है, बट पोस्ट टीनेज हम मोस्टली काउंट करते हैं 18, 19 से। देन यू कैन ऑल्सो से आइडेंटिटी एंड ग्रोइंग अप, क्योंकि मैंने आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होने लग जाती है। जब एक छोटा बच्चा होता है उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बट वैन यू ग्रो अप तो आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। देन यू हैव एडल्टहुड, देन यू हैव सटायर, ये एक नॉवल सटायर के बेस पे है। उसके अलावा आप देखोगे जब आप ग्रोन अप बन जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फीलिंग होती है। क्यों होती है, बिकॉज अब आप फ्रेंड्स ना सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक चीज़ के बेसिस पे नहीं बनाते हो आप फ्रेंड्स, बनाते हो अपना देख, ये भी देखते हो आप कि वो हमारी वाइब से मैच करता हो, वो ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, वो हो। बट जब हम छोटे होते, जब हमारा चाइल्डहुड चल रहा होता तो हम इतना कुछ नहीं देखते अपने फ्रेंड्स में। देन यू हैव मैच्योरिटी, जो कि मैंने आपको बताई दिया है। नेक्स्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो वो है द सन्स ऑफ राम गुरु एंड स्ट्यूमच। एंड इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो नेक्स्ट भी हम बात कर लेते हैं द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड जो है वो पब्लिश हुई है 1926 में, और इसके मेन थीम जो है वो है गॉसिप। अब पता है पहली बात तो ये कि गॉसिप होता क्या है। गॉसिप का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी बात फैल रही है वो सच है या झूठ है। गॉसिप इन द सेंस कि बात को फैलाना, बात को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना आजकल की न्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी फैलती है, या लोग गॉसिप करते दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं जो कि आप चाहते हो कि वो सीक्रेट रखी जाए। तो इसमें क्या है गॉसिप, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, जो इसमें जो है सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा डेंजर में होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने अपने फ्रेंड को सीक्रेट बता दिए और रियल में वो आपका फ्रेंड कैसा निकले, हो सकता है वो आपके सीक्रेट्स दूसरे को बता दे, तो सीक्रेट्स जो आपके डेंजर में रहते हैं। देन यू हैव नेचर एंड देन यू हैव नर्चर। नेचर का क्या होता है, एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर के बारे में हम कह सकते हैं। देन यू हैव नर्चर, नर्चर मतलब कि आपका ओवरऑल एक ग्रोइंग प्रोसेस को हम कह सकते हैं नर्चर, या जैसे कहते हैं ना पेरेंट्स एक बच्चे को बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं उस टाइप से। नेक्स्ट यू हैव जेनर। जेनर इसका है डिटेक्टिव फिक्शन, एंड अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है अंडर डिटेक्टिव फिक्शन। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप देख सकते हो डिटेक्टिव फिक्शन, अगस्ता क्रिस्टी, द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
सो ये है हमारा नेक्स्ट पेज जो कि है पहला, इसमें आपके पास नाइटफॉल। अब नाइटफॉल किसने लिखा है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, तो वो लिखा है इसैक आसिमाव। इनका नाम कुछ ऐसे है, इसैक आसिमाव, बाकी आप जो भी बोलते हैं वो आपके अपनी प्रोनंसिएशन हो सकती है। इसके बारे में अगर हम देखें तो नाइटफॉल के बारे में, इसका जेनर है साइंस फिक्शन, एंड यही आपको मतलब यहाँ पे बुक में भी दिख जाएगा इसका साइंस फिक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पब्लिश हुआ है मेनली सितंबर में 1941 में, तो आप नॉर्मल 1941 लिख सकते हो, बट मैंने मंथ मेंशन कर दिया। देन यू हैव इसैक आसिमोव जो है एक अमेरिकन राइटर है। एक चीज़ याद रखना आपके, क्योंकि ये पॉपुलर लिटरेचर है, इसमें तो आपके कुछ अमेरिकन राइटर्स है, बट जो आपका अमेरिकन लिटरेचर है उसमें तो बहुत सारे अमेरिकन राइटर्स है, तो आप चाहो तो इन लोगों को आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है ये सब कुछ, तो मैंने एक कुछ टाइम पहले एक आंसर राइटिंग वीडियो भी डाली थी अपने एक फ्रेंड के चैनल पर, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट वी हैव थीम्स। अब थीम्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है मैडनेस, देन यू हैव डार्कनेस, एंड देन यू हैव लाइट, मतलब डार्कनेस एंड लाइट इन कंपैरिजन, एंड देन यू हैव अननोन। अननोन हम मोस्टली उस चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं जब अंधेरा होता है, तो हमारे को मोस्टली लोग जो है वो अननोन लगते हैं, जैसे भूत भूत प्रेत हमारे को बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गए हैं। देन नेक्स्ट यू हैव द वंस हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास। अभी किसने लिखा है, सबसे पहले मैं आपको ये शो कर दूँ, क्योंकि ये नाम जो है ना बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि ये नाम है क्या। सो ये लिखा है इन्होंने, हाँ, उर्सुला ले गुइन, तो आप इनका नाम पढ़ सकते हैं, जो कि है द वन हु वॉक अवेज फ्रॉम ओमेलास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पब्लिश हुआ है अक्टूबर 1973 में, नॉर्मल आप पब्लिश लिख सकते हो 1973। जेनर है इसका एक साइंस फिक्शन है, देन यू ऑल्सो हैव फिलोसफिकल फिक्शन। इस हम कह सकते हैं एक टाइप से पोएम ने, एक टाइप से पोएम नहीं फिक्शन ने, साइंस फिक्शन ने जो है एक अवार्ड भी जीता था, जो कि हम कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी ने, जो कि है हुगो अवार्ड। एंड ये मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि हम कह सकते हैं ना एक ऐसा अवार्ड है जो कि हर कोई इतनी शॉर्ट स्टोरीज नहीं जीतती है, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, जो कि है हुगो अवार्ड, जो कि है फॉर बेस्ट शॉर्ट स्टोरी। देन यू हैव नेक्स्ट इज थीम्स। इसके कुछ थीम्स के हमने देखे, तो पहला है हैप्पीनेस एंड सफरिंग, देन यू हैव इमेजिनेशन, इंडिविजुअल वर्सेज सोसाइटी। इंडिविजुअल वर्सेज सोसाइटी आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि ग्रोन अप्स के लिए कि उनको अपनी इंडिविजुअलिटी रखनी होती है एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी, वो चाहते हैं कि अपनी एक सोसाइटी में भी उनकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी हो। देन यू ऑल्सो हैव हैप्पीनेस एंड सफरिंग, जहाँ पे खुशी होगी वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सफ़र तो करना ही पड़ता है। एंड देन यू हैव इमेजिनेशन, एंड इमेजिनेशन पता है इस एज के मतलब जो आपका एज चल रहा है 21-20 जो भी आपका एज ग्रुप चल रहा है उसमें इमेजिनेशन धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि अब आप जो है वो आप कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड को फेस करना शुरू कर देते हैं। देन नेक्स्ट यू हैव माइनॉरिटी रिपोर्ट। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ माइनॉरिटी रिपोर्ट का, तो वो लिखा है इन्होंने फिलिप के डिक, माइनॉरिटी रिपोर्ट। इनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो अब ये इसका जो जेनर है वो है अगेन साइंस फिक्शन। पब्लिश हुआ है 1956 जनवरी में, तो कहीं जगह आपको 1955 भी मिल जाएगा, क्योंकि जो भी शॉर्ट स्टोरीज नॉवल्स पोएम्स जो भी है जनवरी या दिसंबर में लिखे जाते हैं ना, तो वो कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए आप या तो लिख सकते हो 1955 to 56, या फिर आप 1956 जनवरी लिख सकते हैं। इसके कुछ थीम्स के बारे में बात करें, पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है लिबर्टी जिसे हम कह सकते हैं एक टाइप से फ्रीडम, देन यू हैव फेट, फ्री विल, ट्रस्ट, सेफ्टी एंड डेंजर, एजिंग। नेक्स्ट यू हैव अ साउंड ऑफ थंडर। इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये ना एक टाइप से हम कह सकते हैं एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो कि टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है, एंड ये किसने लिखी है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो ये लिखी है इन्होंने यहाँ पे, यस, तो ये आपके लिखी है रे ब्रैडबरी, हाँ ब्रैडबरी ऐसा कुछ नाम है, तो आप इनको देख सकते हैं कैसे आपको प्रोनाउंस करना है। तो ये टाइम ट्रेवल शॉर्ट स्टोरी है जो कि सेटअप है इन 2055। जैसे अगर आपको पता होगा बहुत टाइम पहले हम कहते थे कि 2021 में तो इंडिया में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वैसे ये एक टाइप की शॉर्ट स्टोरी है जहाँ पे ये 2055 का बताया गया कि 2055 तक क्या क्या हो जाएगा। ये पब्लिश हुई है इन June 1952, नॉर्मल आप 1952 भी मेंशन कर सकते हो। देन यू हैव जेनर इज साइंस फिक्शन। उसके कुछ थीम है फियर, डर, एक्साइटमेंट, के हमारे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। एंड लाइन इसके अगर हम एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एंड लाइन ना याद रखो, क्योंकि ये आप ना बहुत सारी अपनी नॉवल्स पोएम शॉर्ट स्टोरीज में एंड लाइन डाल सकते हो, जो कि है लिटिल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। एंड अगर आपको नहीं पता ये एंड लाइन कैसे लिखनी होती है अपने आंसर्स में, तो मैंने आंसर राइटिंग की वीडियो पहले से ही बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे ज़रूर देख लेना। एंड इसके बारे में मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ,
अगर क्योंकि अभी मेरी फ्रेंड है, उसने भी एक कह सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग ऐप सर्च किया है, तो इफ़ यू वांट टू अर्न विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो है ऐप को डाउनलोड कर लो, एंड वहाँ पर नॉर्मल टास्क होते हैं वो कंप्लीट करोगे तो आपको जो है हम कह सकते हैं टाइप से कुछ ना कुछ आप अर्न करना शुरू कर दोगे। इसका ना एक जो साउंड ऑफ थंडर जो है, इसके कुछ और पॉइंटर्स भी हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके कुछ पॉइंटर्स अब मैं आपको दिखा दूँ। पहला है कनेक्शन बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन द सेंस कि इसमें पूरा कनेक्शन दिखाया गया कि पहले क्या होगा, अब क्या है और आगे क्या होगा। डेंजर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, पता है जब भी आप कोई चीज़ डिस्कवर करते हो ना तो इस चीज़ का तो डेंजर रहता है कि कोई ऐसी डिस्कवरी ना हो जाए जो कि दूसरों की हेल्थ से बहुत ज़्यादा डेंजर करे या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। देन यू हैव वन मोर थिंग इज़ मेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर वर्सेस मेंस डिस्ट्रक्टिव नेचर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पहला, मेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, इसका मतलब क्या है कि एक इंसान जो है ना वो नेचर पे क्या क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, बहुत चीज़ें बनाते हैं, तो ये हम हो गए कि हम एक नेचर पे क्या क्या डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देन यू हैव मेंस डिस्ट्रक्टिव नेचर, वो होता है कि आपके अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें मतलब चल रही है, आप कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ या गलत काम करते हो, तो वो होता है कि इंसान का अपना डिस्ट्रक्टिव नेचर। एंड मेंस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर जो है वो होता है एक आप ओवरऑल ह्यूमन बीइंग को आप जो है नुकसान कर रहे हैं। देन यू हैव आइस एज कॉमेट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आइस एज कॉमेट लिखा गया है, ये एक चीज़ याद रखना हाँ इसके बारे में, यस दिखा भी आपको, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा, जयंत नार्लिकर जो कि आइस एज कॉमेट जो है इट हैपन टुमारो, ये लाइन क्यों लिखी गई है मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये पब्लिश हुआ है बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट, ये लाइन याद रखना है, जिसको पेपर में मेंशन करोगे बहुत अच्छा रहेगा। देन यू हैव नेक्स्ट थिंग इज कि जेनर इसका जो कि साइंस फिक्शन स्टोरी है, ये इट हैपन टुमारो ये क्या है, तो ये कलेक्शन है 19 साइंस फिक्शन स्टोरीज का जो कि लिखी गई है इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब हो सकता है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जैसे मराठी, तमिल, कोई भी और, कन्नड़ वगैरह भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, तो इंडियन लैंग्वेजेस। देन यू हैव जयंत नार्लिकर जो कि इसके मतलब हम कह सकते हैं राइटर है, टाइप सी ऑथर वगैरह हम कह सकते हैं, तो इनकी मदर टंग लैंग्वेज थी मराठी। नेक्स्ट यू हैव भीमयाना, भीमयाना के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, एंड एक सेकेंड आई थिंक फोकस चला गया, हाँ थोड़ा थोड़ा आ गया। तो भीमयाना के बारे में अगर हम बात करें तो ये पब्लिश हुई है 2011 में, एंड इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करने वाली हूँ बिकॉज ये आपके आगे तक के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड इसका अगर हम बात करें पूरे नाम के बारे में तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड ये आपके सिलेबस में आगे तक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए ट्राई करो इसको आप खुद पढ़ाई इसको आप खुद पढ़ो ताकि आपको आगे तक याद रहे। दिस इज़ दुर्गाबाई व्यम एंड सुभाष व्यम भीमयाना एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी। सो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस, एंड ये मैंने ओवरऑल आपका सिलेबस डिस्कस किया है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव, आंसर राइटिंग की वीडियो कमेंट में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आई विल ट्राई कि मैं कमेंट में भी पिन सेक्शन में डाल दूँ। एंड इसी के अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आप चाहते हैं अमेरिकन लिटरेचर पे एंड देन आपका एक और सिलेबस जो है वो है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, उसके ऊपर वीडियो है तो कमेंट्स में बता देना। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।